दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहला क्रिकेट बैट कैसा दिखता था, आपको नहीं पता, चलिए आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसकी दीवानगी फैंस के सर चढ़कर बोलती है, क्या छोटा, क्या बड़ा और क्या बूढ़ा, हर एक आयु वर्ग के लोगों द्वारा इस खेल को पसंद किया जाता है। क्रिकेट के इस खेल में तीन महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, पहला बल्लेबाजी, दूसरी गेंदबाजी और तीसरी फील्डिंग। वहीं अगर इस खेल के महान बल्लेबाजों की बात की जाए तो हमारे जहन में सबसे पहला नाम सदी के सबसे महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, सर विवियन रिचर्ड्स, ब्रायन लारा, विराट कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाजों का नाम आता है। क्रिकेट के इन दिग्गज बल्लेबाजों के खेलने की शैली के अलावा इनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बल्ले भी जमकर सुर्खियां बटोरते हैं। अगर आप 90s क्रिकेट फैन हैं तो जाहिर सी बात है आपको सचिन तेंदुलकर का या आरिफ का बल्ला जरूर याद होगा, या फिर वीरेंद्र सहवाग का ब्रिटानिया का बल्ला, और वर्ल्ड कप जीतने के बाद पूर्व कप्तान एमएस धोनी का रिबॉक का बल्ला। अक्सर हमारे मन में यह सवाल आता है कि क्या कंपनियां इन बल्लों को बनाती हैं? नहीं, कंपनियां इन बल्लों का निर्माण खुद नहीं करती, बल्कि कंपनी बल्लेबाजों को अपनी कंपनी का स्टिकर इस्तेमाल करने के लिए मोटी रकम अदा करती हैं। जिस तरह से बॉर्डर पर खड़े एक सैनिक के लिए उसकी बंदूक अहम है, ठीक उसी तरह से क्रीज पर बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज के लिए उसका बल्ला अहम है। एक बल्लेबाज को एक ऐसे बल्ले की जरूरत होती है जो मजबूती के साथ साथ हल्का भी हो, जिसे चारों ओर आसानी से घुमाया जा सके। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आज हम बल्ले की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जर्नी ऑफ क्रिकेट बैट। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारक टीवी। 90s के दशक के क्रिकेट फैंस के लिए ICC वनडे वर्ल्ड कप 2003 का फाइनल मुकाबला भूल पाना शायद ही मुमकिन होगा। 1983 वर्ल्ड कप जीत के बाद भारतीय टीम के पास एक बार फिर विश्व विजेता बनने का मौका था, लेकिन भारतीय टीम का यह ख्वाब ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में चकनाचूर कर दिया। टीम इंडिया को 125 रनों के बड़े अंतर से हराकर कंगारू ने वर्ल्ड चैंपियन का खिताब हासिल किया। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग के बल्ले से 140 रन आए। पोंटिंग की शतकीय पारी ने एक बार फिर भारतीय प्रशंसकों का दिल तोड़ दिया। 23 मार्च को यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच खेला गया था। इस मैच के ठीक एक हफ्ते बाद यानी 1 अप्रैल 2003 को एक विदेशी अखबार में खबर छपी जिसकी हेडलाइन थी कि क्या पोंटिंग के बल्ले में स्प्रिंग थी। इस खबर को पढ़ने के बाद तो इंडियन फैंस की आंखें चमक उठी। उन्हें लगा कि ऑस्ट्रेलिया कहीं बेईमानी करके ये मुकाबला तो नहीं जीता, और अगर ऐसा है तो फाइनल एक बार फिर से खेला जाएगा। लेकिन भारतीय फैंस का दिल एक बार फिर टूट गया जब पता चला कि इस हेडिंग का मकसद था क्रिकेट फैंस को अप्रैल फूल बनाना। बढ़ते दिनों के साथ ही मामला जैसे तैसे खत्म हो गया, लेकिन साल 2005 में एक बार फिर रिकी पोंटिंग के बल्ले को लेकर बवाल मच गया। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच में कप्तान रिकी पोंटिंग ने 207 रन जड़ दिए। ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया। 3-0 से कंगारू ने सीरीज भी अपने नाम कर ली। इस मैच की हाईलाइट रिकी पोंटिंग का बल्ला रहा। कंगारू कप्तान के बल्ले ने जमकर सुर्खियां बटोरी। दरअसल पोंटिंग जो बल्ला लेकर बल्लेबाजी करने आए थे उसमें कार्बन ग्रेफाइट की परत लगाई गई थी। उनके इस बात को लेकर जब लोगों ने आपत्ति जाहिर की तो MCC ने बल्ले की जांच के आदेश दिए। इस जांच में आया कि इस तरह के बल्ले का इस्तेमाल करने से बल्लेबाजों को फायदा होता है। इस घटना के साथ ही इस बल्ले पर पाबंदी लगा दी गई और एक बार फिर कंगारू टीम के कप्तान को पारंपरिक बल्ले से खेलने को कहा गया। क्रिकेट के बल्ले की शुरुआत से लेकर उसके मॉडर्न वर्जन तक पहुंचने का सफर कई रोचक कहानियों से भरा हुआ है। 28 अगस्त 1624 इंग्लैंड में हुए एक लोकल मैच के दौरान जैस्पर बेनाल नाम के खिलाड़ी की क्रिकेट बैट की वजह से मौत हो गई थी। यह पूरी घटना अखबारों में छपी और मामला कोर्ट तक पहुंचा। इस खबर को लेकर पहली बार क्रिकेट बैट का जिक्र किया गया था। इस पूरे मामले में घायल होने के 13 दिन बाद यानी 10 सितंबर 1624 को विनाल की मौत हो गई। क्रिकेट के इतिहास में मैदान पर किसी क्रिकेटर की मौत की यह पहली घटना मानी जाती है। उस वक्त पर ऐसा कोई नियम नहीं था कि एक बल्लेबाज गेंद को एक बार से ज्यादा हिट नहीं कर सकता, लेकिन करीब 100 साल के लंबे अंतराल के बाद 1744 में यह नियम बनाया गया कि कोई भी बल्लेबाज जानबूझकर एक गेंद को दो बार से ज्यादा स्ट्राइक नहीं कर सकता। अगर वह ऐसा करता है तो उसे आउट करा दे दिया जाएगा। क्रिकेट इतिहास के सबसे पुराने बैट का शेप मॉडर्न हॉकी स्टिक की तरह था। उस दौरान गेंद को ओवर द आर्म यानी हाथ घुमाकर फेंकने का कोई नियम नहीं था। तब अंडर आर्म बॉलिंग की जाती थी, मतलब बिना हाथ घुमाए हाथ को कमर के पास लाकर गेंद फेंकी जा सकती थी। पहले के समय में आज की तरह गेंदों में स्पीड नहीं होती थी, ऐसे में हॉकी स्टिक जैसे शेप वाले बैट से भी उन्हें खेला जा सकता था। 17वीं सदी के खत्म होने तक क्रिकेट बैट हॉकी स्टिक की जगह नीचे से आयताकार शेप लेने लगा, लेकिन आज के बल्लों की तुलना में उनमें काफी अंतर था। क्रिकेट के बल्ले को लेकर पहला नियम बनाने का किस्सा बेहद रोमांचक है। सितंबर 1771 में काउंटी में चेस्से और हैम लडन के बीच क्रिकेट मैच खेला गया। इस मैच के दौरान चेस्से के बल्लेबाज शॉक व्हाइट
3 विकेट के बराबर चौड़ाई वाला बल्ला लेकर बैटिंग के लिए उतरे। क्रिकेट इतिहास में इस घटना को मॉन्स्टर बैट इंसिडेंट 1771 के नाम से जाना जाता है। मॉन्स्टर बैट घटना के बाद क्रिकेट में पहली बार बल्ले की चौड़ाई 4.25 इंच या 108 मिलीमीटर तय कर दी गई, जो आज तक लागू है। 1774 में पहली बार आज के जैसे दिखने वाले बैट बनाए गए, लेकिन इन बैट के आगे और पीछे दोनों के हिस्से फ्लैट थे। बैट के ब्लेड छोटे थे और बैट का टो यानी निचला हिस्सा राउंडेड था। साल 1790 में थोड़ा बदलाव किया गया, बैट थोड़े लंबे बने, लेकिन पतली ब्लेड और अनियमित शेप वाले राउंडेड निचले हिस्से की वजह से शॉट लगाना बेहद आसान नहीं था। साल 1835 में MCC ने क्रिकेट बैट की लंबाई 38 इंच यानी 965 mm तय कर दी। यह नियम भी आज तक लागू है। 1840 में बैट थोड़े छोटे और नियमित शेप वाले बनने लगे। इन बल्लों में एज और बॉटम ज्यादा फ्लैट हो गए। पहली बार बैट के हैंडल में स्प्रिंग का इस्तेमाल भी हुआ। तब ये व्हेल बोन से बनाई जाती थी, बाद में इसी की जगह रबर ने ली। 1864 में ओवर आर्म बॉलिंग यानी हाथ घुमाकर गेंद फेंकने को मान्यता मिली, जिससे गेंद की स्पीड बढ़ गई। इस परेशानी से निपटने के लिए बैट का वजन कम कर दिया गया। साल 1900 में तेज गेंदबाजी का सामना करने के लिए बैट बनाए जाने लगे। काफी हद तक यह क्रिकेट बैट आज के जैसे बल्लों की तरह ही थे। सन 1979 ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज डेनिस लेली एक टेस्ट मैच में एल्युमिनियम का बल्ला लेकर बल्लेबाजी करने उतरे थे। इस बल्ले के इस्तेमाल को लेकर हुए बवाल के बाद MCC ने इसे अवैध घोषित करते हुए पहली बार नियम बनाया कि बैट केवल लकड़ी का ही बना होना चाहिए। साल 2005 में ऑस्ट्रेलिया कप्तान रिकी पोंटिंग ने ग्रेफाइट कोटिंग वाले बल्ले का इस्तेमाल किया। हुकाबरा कंपनी के बने इस बैट पर साल 2006 में MCC द्वारा बैन लगा दिया गया। IPL 2010 के दौरान ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन ने एक लंबे हैंडल और उससे छोटे ब्लेड वाले बैट का इस्तेमाल कर काफी सुर्खियां बटोरी थी। मैथ्यू हेडन द्वारा यूज किए गए इस बैट को मंगूज बैट भी कहा जाता है। हालांकि इस तरह के बल्ले ज्यादा कामयाब नहीं रहे, पर इनका उपयोग भी कम ही किया जाता है। 2015 बिग बैश लीग के दौरान क्रिस गेल ने स्पार्टन कंपनी के गोल्डन बैट से बल्लेबाजी की। उनके इस बल्ले में मेटल की यूज होने का आरोप भी लगाया गया था, लेकिन कंपनी की तरफ से आधिकारिक रूप से इसका खंडन किया गया। साल 2016 में बिग बैश लीग के दौरान वेस्टइंडीज के आंद्रे रसेल ने काले रंग के बैट का इस्तेमाल किया। इस बल्ले को लेकर विवाद के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा गेंद के रंग बदलने का हवाला देते हुए इस रंग के बल्ले पर बैन लगा दिया। साल 2017 में बढ़ते हुए T20 क्रिकेट के इस्तेमाल के साथ ज्यादा चौड़े और भारी बैट का इस्तेमाल किया जाने लगा। 85 mm की डेप्थ वाले बल्ले का इस्तेमाल करने की वजह से डेविड वार्नर के बैट ने काफी सुर्खियां बटोरी। साल 2017 में ICC द्वारा बल्ले की डेप्थ 67 mm और एज की लिमिट 40 mm तय कर दी। आज के समय में इस्तेमाल होने वाले बल्लों में पिछले हिस्से को ज्यादा उभार देते हुए एज को और चौड़ा कर दिया गया है। इस तरह से बने हुए बैट से सारा फोकस स्वीट स्पॉट की ओर शिफ्ट हो गया है। आपको बता दें, स्वीट स्पॉट बल्ले का वह हिस्सा होता है जिससे सबसे बेहतरीन शॉट खेल सकते हैं। 90 के दशक में बैट के लंबे समय तक टिकने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन आज के खिलाड़ी इसकी चिंता नहीं करते और अपने साथ कई बल्ले रखते हैं। एक सीजन के दौरान अब एक क्रिकेटर करीब 10 बल्लों का इस्तेमाल करता है। बल्ले की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे बनाते समय लकड़ी को कितनी देर तक प्रेस किया जाता है। लकड़ी को जितनी देर दबाया जाता है उतनी ज्यादा ही उसकी क्षमता घटती है, लेकिन ऐसे बल्ले लंबे समय तक टिकते हैं। इसलिए मॉडर्न क्रिकेटर्स की डिमांड पर बैट बनाते समय लकड़ी को ज्यादा दबाया नहीं जाता, इसलिए बल्ले कम टिकाऊ होते हैं, लेकिन उनकी क्षमता कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। पहले के दशक की तुलना में आधुनिक क्रिकेट बैट काफी हल्के होते हैं, लेकिन बल्लों का एज और चौड़ाई पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। यही कारण है कि धोनी, रोहित और कोहली जैसे बल्लेबाज सचिन और क्लोजनर की तुलना में हल्के बल्लों का उपयोग करते हुए भी बड़ी आसानी से खेल लेते हैं। क्रिकेट बैट के बारे में आप कितना जानते थे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।